जो हम लोग का टॉपिक है आ, वो है क्या डिफॉल्ट राउटिंग ओके डिफॉल्ट राउटिंग डिफॉल्ट राउटिंग अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम लोग स्पेसिफिक जो हमारे पास आईपी था उसके थ्रू हम राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे थे राइट right? तो इसमें हमारा जैसे कि आ जाता है पहला आ जाता है जैसे कि हमारा स्टेटिक राउटिंग फर्स्ट में तो डिफॉल्ट स्टेटिक राउटिंग ओके डिफॉल्ट राउटिंग यूजिंग डिफॉल्ट रूट तो इसमें जैसे कि हमारा क्या होता है स्टेटिक राउटिंग यूजिंग डिफॉल्ट डिफॉल्ट रूट आप लोग को याद होगा हम लोग जब कर रहे थे सपोज मान लो कि मेरे पास राउटर है राउटर वन ओके राउटर टू और राउटर थ्री ये तीन राउटर है तो मान लो कि ये इस पे आई पी वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन चल रहा है ओके और इस पे जैसे मान लो कि वन डॉट वन है यहाँ पे वन डॉट टू है ऐसे यहाँ पे चल रहा है टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू डॉट वन यहाँ पे टू डॉट टू है ऐसे एक, एक आई पी चल रही है ठीक है नॉर्मल कोई भी आईपी ले रहा हूं ठीक है टू के सीरीज में तो हम क्या करते थे डिफॉल्ट राउट में क्या लिखते थे हम पहले कि हमारा पास हम हम क्या लिखते थे यहाँ पे आईपी राउट ओके आईपी राउट तो आईपी राउट में पहले हमारा उसके बाद क्या था यहां पे हम लिखते थे डेस्टिनेशन नेटवर्क ओके डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन नेटवर्क डेस्टिनेशन नेटवर्क में हमारे पास क्या था जो भी हमारा डेस्टिनेशन सपोज मान लो कि मेरे को ये वन है यहाँ पे वन है और यहाँ पे टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू है, okay? यह है. यहां से यहाँ तक जाना है तो हम पहले डेस्टिनेशन ये लिखते थे पूरा यहाँ पे राइट right? इसके नीचे मैं लिख देता हूँ टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू उसके बाद हम क्या लिखते थे यहाँ पे सबमिट मास्क सबमिट मास्क राइट तो अब हमने इसके आईपी में सबमिट मास्क मान लो हमने जो भी दिया होगा सपोज मान लो टू .255 .255 .255. ये हमने आईपी दे रखी है सबमिट दे रखी है सबमिट पास उसके बाद हमारा क्या था नेक्स्ट होप था राइट नेक्स्ट होप तो नेक्स्ट होप में क्या था कि इस राउटर के बाद जो भी हमारा था क्या नेक्स्ट होप तो ये वाली आईपी हम यहाँ लिखते थे ठीक है सपोज मान लो यहाँ पे वन डॉट वन डॉट वन डॉट टू ये ऐसे हम लिखते थे स्टेटिक राउट में अब हमें क्या करना डिफॉल्ट राउट लिखना है तो डिफॉल्ट आउट का मतलब ये डेस्टिनेशन में हमारा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डिफॉल्ट में डेस्टिनेशन हमारा क्या कुछ भी हो डिफॉल्ट का मतलब होता है डेस्टिनेशन हमारा कुछ भी हो ठीक है तो इसमें हमें अगर डिफॉल्ट आउट लिखना होगा तो डिफॉल्ट आउट में हम क्या लिखते हैं जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो मेरा होगा डिफॉल्ट डिफॉल्ट मतलब कुछ भी कोई भी आईपी हो ओके okay? कोई भी आईपी हो और उसका सबमिट मास्क भी हमें क्या डालना होगा डिफॉल्ट राइट right? डिफॉल्ट और नेक्स्ट टॉप में हमारा क्या रहेगा यही नेक्स्ट ऑप रहेगा आईपी पी वन डॉट वन डॉट वन डॉट टू ठीक है डिफॉल्ट मतलब मेरे मैं मुझे यहाँ पे सामने काफ़ी सारे हैं ठीक है यहाँ पे काफ़ी सारे हैं कुछ भी है इसकी आईपी मेरे को नहीं पता है और मुझे यहाँ पे जाना है ठीक है यहाँ पे जाना है इसके आईपी नहीं पता है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिफॉल्ट डिफॉल्टूट मतलब कुछ भी आए ठीक है मैं इसके थ्रू होके जाऊंगा ओके okay? तो ये हमारा डिफॉल्ट आउट होता है मतलब मेरे पास नेटवर्क मेरे को नहीं मालूम है तो मेरे को कहाँ जाना है तो मैं वहां पर डिफॉल्ट आउट डाल दूंगा सपोज मेरे पास काफी सारे हैं मुझे यहां से निकलना है आगे काफी सारे नेटवर्क है मुझे नहीं मालूम मैंने क्या किया डिफॉल्ट आउट डाल दिया ये डिफॉल्ट आउट डिफॉल्ट आउट डाल दिया तो मेरे पीछे जितने भी नेटवर्क हैं वो सारे हो किससे यहाँ पे मान लो काफी सारे नेटवर्क है मेरे यहाँ पे मैं सबको एडवर्टाइज नहीं करूंगा मैंने क्या किया सबको एक डिफॉल्ट आउट डाला और कहाँ से निकलना है इस इंटरफेस से निकल लूंगा नेक्स्ट स्टॉप मेरा कहा है यहां यहां तक पहुंचना है तो ये जितने भी हैं मेरे जो भी लोकल में आईपी जो भी होगा वो सारा कहां तक यहां तक रीच कर जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट स्टॉप हमारा क्या रहेगा ये और नेक्स्ट स्टॉप के अलावा हम एक और यूज करते करते थे क्या एग्जिट इंटरफेस एग्जिट इंटरफेस ओके एग्जिट इंटरफेस तो एग्जिट इंटरफेस मान लो क्या है कि मेरे पास ये वाला पोर्ट है ये फास्ट ट्रेन जीरो स्लैस जीरो है तो मैं इसके जगह पे क्या लिखूंगा फास्ट जीरो स्लैश जीरो तो ये मेरा क्या होगा डिफॉल्ट राउट इसके आगे मैं आई से आईपी लिख दूंगा आईपी राउट तो ये मेरा डिफॉल्ट आउट हो गया ये मोस्टली हम डिफॉल्ट आउट कहाँ यूज करते हैं जैसे कि मान लो कि मेरा ये एक आई ये मेरा क्या है सॉरी ये मान लो कि ये मेरा जो है ये मेरा एयरटेल है ठीक है एयरटेल है यहाँ से क्या है? मेरा एक कनेक्शन मैंने लिया ये मेरा मान लो राउटर है ओके ये मेरा ऐसे कनेक्शन लिया मेरे यहाँ से ये यह पूरा पूरा जो है ये मेरा क्या है लोकल लोकल इंटरनेट है ठीक है ये पूरा मेरा क्या है लोकल लोकल इंटरनेट है लोकल <coughs> मेरा नेटवर्क है ओके एक सेकेंड ये मेरा क्या लोकल नेटवर्क है मैं क्या करूंगा इस राउटर पे आऊंगा यहाँ पे और इस राउटर पे क्या दूंगा डिफॉल्ट राउट क्या डिफॉल्ट डिफॉल्ट राउट दूंगा और डिफॉल्ट में क्या दूंगा मैं यहां पे यही आईपी जो मैंने ऐसे राउटर डेस्टिनेशन में मेरे को नहीं पता कि एयरटेल में क्योंकि देखो मेरे को यहां से मेरे को क्लाउड पे, पे जाना है एयरटेल पे जाना है यहाँ पे तो मैं डिफॉल्ट आउट में कुछ भी डाल दूंगा यहां पे तो मेरा क्या आएगा डिफॉल्ट आउट जीरो जीरो होगा सबमिट पास का जीरो 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 होगा ओके okay. तो या, या तो नेक्स्ट या तो तो होप डालूंगा, तो डालूंगा तो मेरा यहाँ पे एक नेक्स्ट होप होगा आईपी वो मैं आईपी यहाँ पे मैं तो मान लो कि मेरा फास्ट इंटरनेट जीरो स्लैस जीरो है तो मेरे को नहीं पता है तो मैं फास्ट इंटरनेट अपने यहाँ से ऐसा डाल दिया पीछे से मेरा सपोज मान लो कि मेरे पास दस का नेटवर्क है बीस का नेटवर्क है या वन नाइन टू है या वन सेवेंटी टू का नेटवर्क है मुझे स्पेसिफिक नहीं बताना है कि ये जितने भी हैं वो सब क्या है डिफॉल्ट के थ्रू यहाँ तक पहुंच जाएंगे यहां से निकल जाएंगे और इंटरनेट को रीच करेंगे तो मोस्टली हमारा होता है जब भी हमारा आई से होता है कनेक्टेड तो हम एक सिंगल अगर मान लो मेरे पास एक एयरटेल की एयरटेल का सर्किट है तो मैं एज ए स्टेटिक राउट के थ्रू डिफॉल्ट राउट दे अपना काम चला लूंगा राइट अगर सपोज मेरे पास जैसे किसी सिनेरियो में क्या होता है कि मल्टीपल लिंक्स होते हैं ठीक है मल्टीपल्स लिंक होते हैं तो वहां पे हमारे पास और भी ऑप्शन है जो कि हम यूज करते हैं तो मोस्टली डिफॉल्ट आउट हम और डिफॉल्ट आउट एक चीज होता है जब मान लो कि मेरे पास दो चीज़ है तो ये नहीं कि डिफॉल्ट आउट मैं यहां से भी दे, दे दूंगा नहीं डिफॉल्ट आउट हमें सिर्फ एक साइड से देना होता है जो कि हम अपने साइड से देते हैं टूअर्ड्स इंटरनेट ओके तो ये तो था हमारा क्या था ये स्टेटिक ये में था ओके okay? स्टेटिक में सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे डायनेमिक आएंगे तो डायनेमिक में आपको मैं बताता हूं डायनेमिक में क्या करेंगे हम सेकेंड <coughs> ऑप्शन था मेरे पास डायनेमिक डायनेमिक मेरे पास क्या था डायनेमिक मेरे पास कितने ऑप्शन थे डायनेमिक डायनेमिक मेरे पास कितने थे पहला था रिप ओके आई जी आर पी और ओ एस पी एफ ओके तो ये था हमारे पास ऑप्शन तो हम इसकी कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे जैसे हम वहां पे कन्फिगर क्या करते थे वहां पे जैसे हम कॉन्फ़िगर करते थे सपोज मैं राउटर है ये राउटर पे गए तो राउटर पर हम क्या डालते थे राउटर राउटर रिप ओके राउटर रिप उसके बाद क्या आते थे हम नेटवर्क ऐसा होता था ना नेटवर्क नेटवर्क डाला फिर नेटवर्क आगे हमें क्या लिखना है हम यहाँ पे क्या लिखते थे आईपी लिखते थे सपोज मान लो कि मेरे पास ऐसे ही राउटर वन से राउटर टू कनेक्टेड है यहाँ से राउटर थ्री कनेक्टेड है यहाँ पे वन का नेटवर्क चल रहा है यहाँ पे टू का नेटवर्क चल रहा है और यहाँ पे थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री का नेटवर्क चल रहा है मुझे इन तीनों में क्या करना है मुझे डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर करना है डिफॉल्ट आउट मैं क्या कर, मैं क्या करूंगा डिफॉल्ट जब भी नाम आए डिफॉल्ट डिफॉल्ट का मतलब है मुझे नेटवर्क क्या देना होगा जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो सेम ये हमने क्या है राउटर पे सेम राउटर टू पे आएंगे सेम यही चलाएंगे राउटर रिप और उसके बाद से क्या नेटवर्क जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो फिर राउटर थ्री पे आएंगे सेम चलाएंगे कमांड क्या राउटर रिप और क्या नेटवर्क जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो भी कमांड चला होगा ना ऑटोमेटिक क्या होगा ऑटोमेटिक क्या होगा ये जो ऑटोमेटिक आ... क्या होगा कि ये राउटर है ये इसके साथ क्या बन जाएगा नेबरशिप बन जाएगा ओके ये राउटर और इस राउटर के साथ क्या बना लेगा ये नेबरशिप बना लेगा उसके बाद से यहाँ से राउटर वन से राउटर थ्री को क्या करोगे अगर यहाँ से पिंग करोगे थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री तो इसको रीच कर जाएगा ये तो सिंपल डिफॉल्ट राउट में हमें सिर्फ डिफॉल्ट का ये आईपी देना है हमें यहाँ पे नेटवर्क ऐसे ये कंफिगर होगा हो जाएगा ये था हमारा क्या रिप ओके सेम हम आएंगे जी आर पी में ये जी आर पी में हम क्या करते थे जी आर पी में हम क्या करते थे जी आर पी ओकेटिव राउटिंग प्रोटोकॉल इसमें हम क्या करते थे हम इसमें कॉन्फ़िगर करते थे ना कैसे क्या लिखते थे सपोज वही सेम डायग्राम माना लो राउटर वन राउटर टू राउटर थ्री इन तीनों के बीच में क्या चल रहा है ये चल रहा है ओके okay? तो हम क्या करेंगे इनके बीच में डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर करेंगे तो डिफॉल्ट राउटर वन पे गए ओके okay? राउटर वन पे हमने लिखा क्या राउटर क्या ईआईजीआरपी उसके बाद कहा था एएस नंबर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर ऑटोनोमस सिस्टम मान लो कि वन uh, से लेके और सिक्स फाइव फाइव समथिंग था सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव तक तो मान लो कि हम सौ ले लिए ओके अब इसमें हमें क्या क्या था इसमें भी सेम कमांड था क्या नेटवर्क यहाँ आए नेटवर्क और क्या डिफॉल्ट आउट कॉन्फिगर करना है तो डिफॉल्ट में जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो सेम यही कमांड हम चलाएंगे राउटर टू पे सेम यही कमांड चलाएंगे हम यहाँ पे राउटर थ्री पे ऐसे ये मेरा हो गया डिफॉल्ट राउट

ओ में यही था कि मान लो राउटर वन से राउटर टू कनेक्टेड है राउटर टू से राउटर थ्री कनेक्टेड है इन तीनों के बीच में हमें ओ चलाना है तो ओसपीएफ की कमांड क्या थी ओ की जो कमांड थी वो थी सपोज राउटर वन पे हो राउटर वन पे क्या लिखते थे राउटर ओ ऐसे था ना राउटर ओ एस पी प्रोसेस आई प्रोसेस आई मान लो टेन ठीक है क्या लिखते थे फिर उसके से कमांड था क्या नेटवर्क ऐसे था ना नेटवर्क और नेटवर्क से क्या लिखते थे हुँ? किसी को कोई बताएगा नेटवर्क से क्या लिखते थे हम नहीं पता किसी को नेटवर्क से हम इसकी नेटवर्क की जो आईपी सपोज मान लो कि इस पे मेरे पास आईपी है मेरे को डिफॉल्ट डिफॉल्टूट कन्फिगर करना है तो डिफॉल्ट रूट में क्या लिखेंगे हम सीधा नेटवर्क लिखेंगे और नेटवर्क हमारा क्या था इस पे मान लो जो भी आईपी होगी वन टू थ्री जो भी आईपी है तो वो हमें नहीं लिखना है हमें डिफॉल्ट रूट डालना है क्या हम कन्फिगर कर रहे हैं डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट हमारे पास जाएगा तो डिफॉल्ट का नेटवर्क की आई जो होगी वो हो जाएगी ओके ये हो गया डिफॉल्ट उसके बाद हमारे पास क्या था वाइल्ड कार्ड मास्क तो वाइल्ड कार्ड मास्क में जब हम डिफॉल्ट का लिखेंगे तो इसकी ऑपोजिट कितनी थी वो थी टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव यही था ना ओके okay. और फिर उसके बाद क्या लिखते थे एरिया तो एरिया क्या सपोज जो भी एरिया है एरिया जीरो में चल रहा है ये पूरा नेटवर्क सपोज मान लो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एरिया और एरिया क्या जीरो जी कमांड है डिफॉल्ट राउट की

राइट right. सेम यही जो कमांड है ये वाली कमांड ओके okay. ये जो कमांड है ये सारा किस पे राउटर टू पे राउटर थ्री पे भी चलेगा सेम कमांड राइट तो हमारी ये कनेक्टिविटी हो जाएगी ये सिंपल था ये डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर करने का है ओके okay. तो यहां पे हमारा डिफॉल्ट आउट कंप्लीट हो गया राइट right. अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे किसी को डाउट डिफॉल्ट आउट में आउट आउट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट जब जब भी भी आए ना तो का मतलब जब भी तो ये समझना कि उसका जो आईपी होगा ना वो क्या होगा ये होगा ओके हाँ okay? जीरो जीरो डिफॉल्ट डिफॉल्ट का ही ये होता है सपोज मान लो कि मेरे को कहीं जाना है ठीक है तो डिफॉल्ट आउट सपोज मान लो कि यहाँ पे मेरे पास आ... ये मेरा एक राउटर है ठीक है और, <coughs> और यहाँ पे एक कोई मेरा नेटवर्क है ठीक है यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ डिफॉल्ट रूट के जब मैं डिफ़ॉल्ट रूट यूज़ करूंगा तो इसके साथ मेरे पास जितने भी यहाँ पे आईपीज़ हैं, ठीक है सब मान लो कि मेरे पास नंबर ऑफ वन हंड्रेड प्रिफ़िक्स रिसीव हो रहे हैं ठीक है तो मैं क्या करूंगा इन वन हंड्रेड को ना मैं डिफॉल्ट राउट के थ्रू मैं अपने राउटर से एक सिंगल राउट डिफॉल्ट आउट बना के सारा ये प्रीफिक्स है वो यहां भेज दूंगा तो उस कंडीशन में हम डिफॉल्ट आउट यूज कर लेते हैं ओके okay. ठीक है यहां कोई मोस्टली जब कंपनी में काम करोगे ना तो वहां पे देखोगे डिफ़ॉल्ट आउट पढ़ा ही पड़ा होगा किसी ना किसी जगह पे डिफ़ॉल्ट स्टेटिक राउट में मिलेगा ही मिलेगा ठीक है सपोज थ्रू जैसे कि यूज कर रहे हो तो कोई एक साइड से यूज़ कर सपोज मान लो कि कोई आईएसपी है तो आईएसपी के वहां जब देखोगे ना तो वहां पे एक डिफॉल्ट राउट मिलेगा ही मिलेगा या सपोज मान लो कि काफी सारे uh, हैं ठीक है तो ओसपीएफ यूज करा तो ओसपीएफ क्या करेगा अपना एक डिफॉल्ट राउट समरी बनाएगा ठीक है काफी सारे यहाँ पे आ रहे हैं प्रीफिक्स तो वो क्या करेगा इन सोचेगा ये जितने भी आएंगे ना तो राउटिंग टेबल में बनेगा ये ठीक है राउटिंग टेबल में राउटिंग टेबल काफी लंबा हो जाएगा तो वो क्या करेगा एक डिफॉल्ट आउट बनाएगा और डिफॉल्ट आउट के साथ क्या करेगा इन सारे प्रिफिक्स को एक सिंगल राउटिंग टेबल में दिखेगा क्या ऐसे डिफॉल्ट आउट ऐसे डिफॉल्ट आउट दिखेगा ऐसे जीरो वाया दिस 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 ऐसे ये डिफॉल्ट आउट से सारा जाएगा ओके ठीक है यहां पे डिफॉल्ट आउट कंप्लीट हो गया हमारा